दोस्तों फाइनली अभी हमारा होटल से चेक आउट हो गया है और अभी 11 बजे है। मुंबई एयरपोर्ट की डिजाइन थोड़ी यूनिक है, कोई भी पहचान जाता है फोटो या वीडियो से कि ये मुंबई का ही एयरपोर्ट है। दोस्तों बिना इंसान की शॉप है, सब कुछ आपको ही करना पड़ता है, तो यहाँ से पैसे डालने होते हैं। तो आप देख सकते हैं मुंबई सिटी का नज़ारा। हमारा मुंबई में दूसरा दिन है और कल रात को तो एक कंपनी के साथ मीटिंग थी, तो यहाँ से वहाँ पर गए थे। उसका व्लॉग हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि कल थक गए थे और वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था क्योंकि वहाँ पर थोड़ा प्राइवेट था इसलिए। और आज की बात करें तो आज जो भी हम करेंगे उसका आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे। दोस्तों ये इडली मंगवाई है, हमें मेंदू वड़ा खाना था पर भाई बोल रहे कि 11 बजे बाद तो भी इडली भी चलेगी। दोस्तों चीज़ रहती है कि ये प्योर वेज और नॉन वेज वो सब दिक्कत रहती है, तो जो भी प्योर वेज रेस्टोरेंट या तो होटल है वहाँ पर ही मतलब माइंड में बिकता है, नहीं तो कई होटल वैसी रहती है जो साथ में वेज और नॉन वेज, पर वहीं पर हमें उस माइंड में सही तरह से बिठता नहीं कि वहाँ पर खाना खाए या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी इडली आ गई है, तो ये नाश्ता हमें बहुत पसंद है, हम राजकोट पर भी यही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हमारा होटल से चेकआउट हो गया है और अभी 11 बजे है और मेरे पीछे जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है उसमें 5वें माले पर हमारी होटल डायमंड थी। तो होटल तो बहुत अच्छी थी, वेज और नॉन वेज दोनों साथ में था, तो हमें थोड़ा माइंड में नहीं बिक रहा था खाने का, तो खाने के लिए हम नीचे स्वागत होटल पर आए थे, वो प्योर वेज है। तो दोस्तों अभी हम हमारे होटल से निकल गए हैं और हमारा टर्मिनल 2 से हमारी फ्लाइट उठने वाली है, इंडिगो की है। तो दोस्तों अभी एयरपोर्ट पास ही आ गया है, देखिए ये फ्लाइट उड़ रही है। तो ये अभी एयरपोर्ट का टर्मिनल आ गया है। दोस्तों देखिए ये मुंबई एयरपोर्ट की डिज़ाइन थोड़ी यूनिक है, कोई भी पहचान जाता है फोटो या वीडियो से कि ये मुंबई का ही एयरपोर्ट है। दोस्तों तो दोस्तों अभी हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं पर जो इंडिगो का बोर्डिंग पास होता है वो नहीं निकल रहा है। अभी ये जो पीछे दिख रहा है ऑटोमेटिक मशीन उसमें से हमारा बोर्डिंग पास नहीं निकल रहा है, अभी इंडिगो की ऑफिस है वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो के और एम में इंडिगो की ऑफिस है। दोस्तों इंडिगो की ऑफिस आ गई है, मेरे पीछे है वो इंडिगो की ऑफिस है और हमारी फ्लाइट है वो राजकोट के लिए इंडिगो की फ्लाइट है। यहाँ पर से हम अभी वो बोर्डिंग पास निकालेंगे, उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेकिंग होगा, हमारी फ्लाइट आएगी वो गेट पर हम बैठेंगे। दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखिए आप, पीछे मुंबई लिखा है और एकदम बढ़िया नेचुरल है, ये रियल में है, मतलब वो प्लास्टिक के वो सब नहीं है, एकदम रियल में है देखिए। और यहाँ पर सभी सेल्फी खिंचवा रहा है तो एकदम बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों वहाँ पर सभी डोमेस्टिक पैसेंजर का ये सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर खास इन्फॉर्मेशन, ये माचिस और लाइटर आप नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पर लोगों ने रख दिया क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग है, वहाँ पर ये सब अलाउड नहीं है। दोस्तों इस बार सिक्योरिटी चेकिंग में एक दूसरा एक्सपीरियंस हुआ, अभी हमारे वुडलैंड के शूज थे वो नहीं चले, उसको सिक्योरिटी का जो एक्सरे मशीन होता है उसमें से गुजारना पड़ा। और दोस्तों यहाँ पर टाटा वालों ने अपनी टाटा सफारी शो की है, देखिए आप। और यहाँ पर कई सारी शॉपें हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मुंबई एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक शॉप है, तो ये बिना इंसान की शॉप है, सब कुछ आपको ही करना पड़ता है, तो यहाँ से पैसे डालने होते हैं। तो यहाँ से हमने ये 20 की नोट डाली है दोस्तों, और यहाँ पर 30 रुपये दिख गए तो हमने एक 10 की भी डाली थी दोस्तों। और यहाँ पर से आपको जो भी प्रोडक्ट लेना हो उसका कोड लेना पड़ता है, तो 135 कोड है, हमें सिंग लेनी है, ये एंटर कर दिया है, तो अभी हमारी सिंग ये नीचे आ गई और यहाँ से आप ले सकते हैं आपने जो भी प्रोडक्ट लिया, तो ये रही हमारी सिंग दोस्तों। तो अभी हम एयरपोर्ट का जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर बैठे हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट है,
और वहाँ पीछे दिख रहा है वो अम्ब्रेली नाम का रेस्टोरेंट है, मतलब रेस्टोरेंट का नाम अम्ब्रेली, अम्ब्रेली के है वो पता नहीं, पर अम्ब्रेली के तो शायद नहीं है, पर रेस्टोरेंट का नाम अम्ब्रेली। इस तरह का नज़ारा दिख रहा है, देखिए आप, यहाँ पर एयर इंडिया की फ्लाइट खड़ी है और वहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज खड़ा है, वो शायद अमेरिकी फ्लाइट है, और वहाँ पर एक बड़ी फ्लाइट खड़ी है। देखिए दोस्तों, ये शायद 350-400 की कैपेसिटी होगी, बहुत ज़्यादा पैसेंजर की फ्लाइट है ये बड़ी, एयर इंडिया की। तो ये जो गाड़ी आ रही है वो फ्लाइट में से लगेज लेकर आ रही है, देखिए पीछे पार्सल है, और वहाँ पर देखिए एक फ्लाइट आई है। एक बजा है और खाने का टाइम हो गया। तो दोस्तों, खाने में हमने मेंदू वड़ा लिया है, और ये मेंदू वड़ा एयरपोर्ट पर हमें 240 रुपये में पड़ा है, और यही चीज़ हम बाहर खाए नॉर्मल जगह पर तो 40-50 रुपये में पड़ती है। और ये खाते खाते एयरपोर्ट का नज़ारा दोस्तों, और यहाँ पर एक फ्लाइट लैंड हुई है। तो ये है मुंबई एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा, देखिए बहुत बढ़िया कारीगरी की हुई है। ये देखिए सभी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पर रखी है, यहाँ पर देखिए बेल भी रखे हैं। ये मुझे लग रहा है पुराने ज़माने की खटिया है, और आप देख सकते हैं गाय भैंस बेल सभी रखा है। दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर में हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है, और बैठे बैठे थक गए थे तो ऐसा लगा कि यहाँ पर से थोड़ा नज़ारा लेते हैं और थोड़ा आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से इस तरह का नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पर खूब सारे पेड़ लगाए हैं, देख सकते हैं आप, और यहाँ से बिल्डिंगें दिख रही है, और वहाँ पर हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम फ्लाइट में बैठ गए हैं और हमारी सीट भी हमें मिल गई है, नज़र अंदर आ रहे हैं, और हमारी विंडो वाली सीट। तो दोस्तों, अभी हमारी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ के लिए तैयार है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मुंबई सिटी का नज़ारा। ये रहा मुंबई सिटी दोस्तों। ये रोड के पर ट्रैफिक देखिए दोस्तों, ये 10x जूम में है, और ये जूम आउट। ये रहा मुंबई सिटी का नज़ारा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम 10x जूम करते हैं, तो ये 1x, 3x, 10x, तो ये 10x जूम में इतना दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा राजकोट सिटी। तो दोस्तों, ये रहा राजकोट रेलवे स्टेशन, और अभी कुछ ही सेकंडों में हमारी फ्लाइट राजकोट एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी। तो अभी हमारी फ्लाइट राजकोट एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। यहाँ राजकोट एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा देखिए। तो दोस्तों, हम हमारी फ्लाइट में से उतर गए हैं,
और आप अभी से देख सकते हैं अभी कई लोग उतर रहे हैं और इस साइड भी उतर रहे हैं लोग, तो अभी दोनों साइड से लोग उतर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग होते हैं इसीलिए। और ये है राजकोट एयरपोर्ट का नज़ारा और एयरपोर्ट में कई सारे फेरबदल हो गए हैं दोस्तों। अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं और संजय भाई की यहाँ पर ड्यूटी पूरी हो गई, तो संजय भाई ही हमें घर तक पहुँचाएंगे क्योंकि भाई हमारे घर के पास ही रहते हैं। तो संजय भाई, अभी फ्लाइटें यहाँ पर ज़्यादा हो गई, रोज़ की कितनी फ्लाइटें हो गई? रोज़ की 11 फ्लाइट है। तो अभी रोज़ की 11 फ्लाइटें हो गई, उसमें से मुंबई की कितनी? मुंबई की 3 है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, एयर इंडिया है। तो अभी और दिल्ली की 5? हाँ, 4। दिल्ली की भी 4 या 5 फ्लाइट है और एक शायद बेंगलोर की है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले और संजय भाई की तकनीकी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे रमेश मोकोत्रा ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।